कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। और बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने अपना लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स अर्थात जीवों में जनन का अध्ययन किया था। साथ ही साथ इसके हमने इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको दिए थे और बहुत सारे डायग्राम्स भी हमने बोला था कि आप इसको अपनी नोटबुक में बनाएंगे। तो चूंकि ये अध्याय पूरा हो गया तो अब हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे आपसे। तो उसके पहले क्रम में हम आपके MCQs जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पौधों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। हम सब जानते हैं कायिक प्रजनन के लिए सारे अंग अनुकूल होते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो बहुत कॉमनली हम उनको यूज करते हैं, ये हमारा नीट का एक क्वेश्चन है, एग्जाम नीट एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, तना। दूसरा देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, शकरकंद एवं डहेलिया में कायिक जनन होता है, अर्थात इसमें हमने पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इसका आंसर गलत टाइप हो गया है, इसको हम डिलीट करेंगे और इसका सही आंसर लिखेंगे। आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, तो उसमें शकरकंद और डहेलिया में जो प्रजनन होता है वो होता है जड़ों द्वारा। सही आंसर क्या है? सी, जड़ों द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा शकरकंद और डहेलिया में कायिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यहाँ प्रश्न समझिए कि प्रश्न आपसे क्या डिमांड कर रहा है। कभी कभी हम कुछ भी सोच के कैसे भी आंसर बच्चे गड़बड़ी में करके आ जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है, आलू में, अजूबा में, आम में और प्याज में। ये तो हम सब जानते हैं कि ये सारे कायिक प्रवर्धन करते हैं, लेकिन कृत्रिम कायिक की अगर बात आ रही तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आम में। चौथा देखें, ऐसा कायिक जनन जिसमें नए पौधे पत्ती के अविच्छिन्न शीर्ष पर विकसित होते हैं पाया जाता है। आंसर एस्परेगस, अगेव, क्राइसेंथेमम और ब्रायोफिलम। हमने ब्रायोफिलम की पत्ती के स्ट्रक्चर को पढ़ा था और उस समय देखा था कि इसकी पत्ती की जो खांच होती है वहां पर क्या होते हैं, प्लांट्स नए उगाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ब्रायोफिलम में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सजीव प्रजात प्राणी है। सजीव प्रजात प्राणी है कछुआ, अस्थिल मछली, गुंजन पक्षी या वेल मछली। इसमें आंसर है डी, वेल मछली। प्रश्न क्रमांक 6, क्लोन होते हैं ए, आनुवांशिक लक्षणों में जनक के समान, बी, कायिक जनन से विकसित पादपों की समष्टि, एक ही जनक से विकसित पादप, डी, उपर्युक्त सभी। इसके तीनों लक्षण जो है वो सब क्लोन के लक्षणों से मैच हो रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, शिशुओं को जन्म देने वाले प्राणी कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं उनको कहते हैं सजीव प्रजक्ता। यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए, सजीव प्रजक्ता। प्रश्न क्रमांक 8 देखें, युग्मनज में गुणसूत्र के सेट होते हैं। युग्मनज, यहाँ युग्मज नहीं, बिल्कुल ध्यान देना है अपन को। तो युग्मनज में हमेशा दो सेट हो जाएंगे क्योंकि दो युग्मक के गुणसूत्र मिल जाएंगे। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 2x। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें प्रश्न क्रमांक 9, आलू का कायिक प्रवर्धन किया जाता है प्रकंद द्वारा, शल्क कंद द्वारा, तने द्वारा या कंद द्वारा। तो सही आंसर है डी, कंद द्वारा। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से अंड प्रजक अर्थात ओविपेरस प्राणी कौन है, चमगादड़, वेल, पेंगुइन या अमीबा। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, पेंगुइन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखें हम, पौधों में जननांग खाली स्थान प्रवस्था के अंत में विकसित होते हैं। ये किसी में भी हमने पढ़ा था, तीन फेज पढ़ी थी इसमें, जुवेनाइल फेज या इसकी कायिक अवस्था,
तो यहाँ पर कायिक अवस्था के दौरान पैदा अंत में विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म की पराग नलिका में खाली स्थान केंद्रक होते हैं, आंसर 3। केले तथा गुलाब में खाली स्थान नहीं बनते हैं, अतः इनमें जनन केवल खाली स्थान से होता है। तो आंसर हो जाएगा केले तथा गुलाब में बीज नहीं बनते हैं और इसमें जनन केवल कायिक विधियों से होता है। चौथा, प्राणियों में जननांग खाली स्थान अवस्था में विभेदित हो जाते हैं, भ्रूणावस्था, आंसर देखिए। पांचवा, तालाबों में आइकोर्निया खाली स्थान की सहायता से वृद्धि करता है, आंसर है भूस्तारिका। छठवा, गुणन की दर खाली स्थान जनन की अपेक्षा खाली स्थान जनन में अधिक होती है। तो हमें मालूम है कि गुणन की दर लैंगिक जनन से ज्यादा अलैंगिक जनन में अधिक होती है। की पूर्ति कीजिए। पहला है, पौधों में जननांग खाली स्थान प्रावस्था के अंत में विकसित होते हैं, तो आंसर है आपका कायिक प्रावस्था। दूसरा है, एंजियोस्पर्म की पराग नलिका में खाली स्थान केंद्रक होते हैं, आंसर है 3। तीसरा देखें, केले तथा गुलाब में खाली स्थान नहीं बनते हैं, अतः इनमें जनन केवल खाली स्थान से होता है। तो केले तथा गुलाब में बीज नहीं बनते हैं, अतः इनमें जनन केवल कायिक विधियों से होता है। चौथा, प्राणियों में जननांग खाली स्थान अवस्था में विभेदित हो जाते हैं, आंसर भ्रूणावस्था। पांचवा, तालाबों में आइकोर्निया या जलकुंडी खाली स्थान की सहायता से वृद्धि करती है, आंसर भूस्तारिका। छठवा, गुणन की दर खाली स्थान जनन की अपेक्षा खाली स्थान जनन में अधिक होती है, आंसर गुणन की दर लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन में अधिक होती है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, वो है सही जोड़ी बनाइए। आपको मैच द कॉलम देते हैं, उसमें आपको सही आंसर से मिक्स करना रहता है। तो पहला है पक्षी, तो पक्षी की सही जोड़ी है अंडपजक, अर्थात जो जितने पक्षी होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। दूसरा है मदचक्र, ऊस्ट्रस साइकिल, किसमें पाया जाता है, मैंने आपको बताया था गाय में पाया जाता है। तीसरा केचुआ जो है उसके वो क्या है, उभयलिंगी है। चौथा अंडाशय भित्ति, फल भित्ति, अंडाशय भित्ति सी मक्का में होती है। पांचवा एल्बुमिनी, आंसर क्या है, अंडाशय भित्ति ए फल भित्ति बनाती है। पांचवा एल्बुमिनी मक्का। छठवा बीज, आंसर हो जाएगा सुसुप्त पादप कहलाता है, यानी बीज में जो प्लांट्स रहते हैं वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, फेवरेबल कंडीशन में ही है, फिर से ग्रो हो जाते हैं। अब हम करेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न एक जन की संरचना एवं अनुवांशिक गुणों में समान संतति को कहते हैं क्लोन, आंसर। दूसरा, जूस स्पोर द्वारा प्रजनन करने वाले एक शैवाल का नाम लिखिए, क्लेमाइडोमोनास। तीसरा, जेम्यूल द्वारा वृद्धि प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है, जूस स्पोर स्पॉन्जिला। चौथा, कशाबिका युक्त बीजाणुओं को क्या कहते हैं, जूस स्पोर कहते हैं। पांचवा, अजूबा की पत्तियों में कौन सी कलिकाओं के द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है, आंसर है अपस्थानिक कलिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1, जीवन अवधि से क्या तात्पर्य है। मैंने आपको समझाया था प्रत्येक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उस जीव की जीवन अवधि होती है। प्रश्न क्रमांक 2, निषेचन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाती है। तीसरा, क्लोन किसे कहते हैं, एक ही जनक से उत्पन्न आकार की व आनुवांशिक रूप से समान जीव क्लोन कहलाते हैं। इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। प्रश्न क्रमांक 4, एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जिसमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है, उसका आंसर है पेनिसिलियम। प्रश्न क्रमांक 5, प्रकंद द्वारा वृद्धि प्रजनन किन पौधों में होता है, यहाँ वर्षी नहीं है वृद्धि है, आप लोग सुधार लीजिएगा। प्रकंद द्वारा वृद्धि प्रजनन किन पौधों में होता है, तो आंसर है अदरक व हल्दी में। प्रश्न क्रमांक 6,
एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिसमें अनुप्रस्थ द्विभाजन होता है, अर्थात इस प्रकार से ट्रांसफर रूप से कटता है। तो इसका आंसर है पैरामीशियम। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, वृद्धावस्था या सेंसेस फेज का क्या मापदंड है? उत्तर, प्रजनन की आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, उभय लिंगाश्री यानी हर्मोफ्रोडाइट या मोनोशियस पादपों के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, कुकुरबिटा एवं नारियल उभय लिंगाश्री के उदाहरण हैं। तो बच्चों, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के और लघुत्तरी प्रश्नों के प्रश्न उत्तर। इनको आप नोटबुक में अच्छे से नोट करिए और अच्छे से लर्न करिए। थैंक यू बच्चों।